हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर जो होने वाले 1 जून के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट तक सेशन जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो अजीत जोगी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। सो हमें बताना कि अजीत जोगी जिनका निधन हो चुका है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट के थे। कौन सी स्टेट के थे, वो थे छत्तीसगढ़ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जिनका नेम था अजीत जोगी, जिनका निधन हो चुका है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीएम कौन है, भूपेश बघेल इज़ द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। और गवर्नर कौन है, अनसुईया यूके इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वॉट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 2020। सो हमें बताने ये थीम क्या थी, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 2020। सो क्या थी थीम, दैट इज़ वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। That is, Women in Peacekeeping, a Key to Peace is the theme of International Day of United Nations Peacekeeper 2020. So, आप मुझे बताइएगा ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन Peacekeepers 2020। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर COVID-19 ड्राइव फ्रॉम पंचगव्य इज टू बिगन इन विस सिटी। सो हमें बताना है कि जो क्लिनिकल ट्रायल है आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो कि है COVID-19 के लिए ड्राइव हुआ है पंचगव्य से, ये कौन सी सिटी में स्टार्ट होना है। कौन सी सिटी में स्टार्ट होना है, राजकोट। राजकोट में ये स्टार्ट होना है। दैट इज़ द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर COVID-19 ड्राइव फ्रॉम पंचगव्य इज टू बिगन इन राजकोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मायोबम रिजर्व फॉरेस्ट विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो हमें बताना है कि मायोबम रिजर्व फॉरेस्ट जो है जो कि न्यूज़ में है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। कौन सी स्टेट में है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। मायोबम रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज़ बिंग बिल्ट इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का काम। ये कौन सी स्टेट है, ये है बिहार। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज़ बिंग बिल्ट इन बिहार। अगर सीएम की बात करें तो सीएम कौन है, नीतीश कुमार इज़ द सीएम ऑफ बिहार। और गवर्नर कौन है, फागू चौहान इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Which state government has started the Rozgar Setu scheme for skilled workers? हमें बताना है कि कौन सी state government ने start किया है Rozgar Setu scheme for skilled workers? कौन सी state है, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने start किया है रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, अगर सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान इज़ द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। और कैपिटल इज़ भोपाल। ठीक है, ये है सारे स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। जैसे सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर इस लालजी टंडन। उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है, जीवन शक्ति योजना, श्रम सिद्धि अभियान, और क्या है, एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीवन जो कि एक स्कीम है, जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार, दीदी व्हीकल सर्विस। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री दीदी किचन, वो है झारखंड में, और दीदी व्हीकल की बात करें है MP में, दैट इज़ मध्य प्रदेश। चरण पादुका इनिशिएटिव, योद्धा कल्याण, चरक बूथ, संबल योजना, टॉप पेरेंट ऐप, मिड डे मील राशन एंड दीनदयाल कमेटी। जिसकी वजह से मध्य प्रदेश न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये है नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, फोजिल नेशनल पार्क है, वन विहार, संजय और माधव नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क भी लोकेटेड हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। कौन बनाया गया है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो, वो कौन है, दैट इज़ वेंकट रमानी सुमंत्रन। कौन है, वेंकट रमानी सुमंत्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टेन्योर ऑफ संदीप प्रधान एज डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाई डैश ईयर। हमें बताना है कि टेन्योर जो है संदीप प्रधान का एज डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर है ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका एक्सटेंड कर दिया गया है। कितने ईयर से एक्सटेंड किया है ये देखते हैं।
यह है 4 ईयर्स। सो कितने ईयर के लिए किया है? 4 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट इज़ द टेन्योर ऑफ संदीप प्रधान एज डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 4 ईयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्नी माइग्रेंट्स? सो स्टेट का नेम बताने जिन्होंने इनॉग्रेट किया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्नी माइग्रेंट्स। सो वो कौन सी स्टेट है? वो है उत्तराखंड। कौन सी स्टेट ने किया है? उत्तराखंड ने इनॉग्रेट किया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्नी माइग्रेंट। अगर सीएम की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। और इसकी कैपिटल है देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इन्होंने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, दैट इज़ पोर्टल, जिसका नेम था होप। क्या था? होप एक पोर्टल भी लॉन्च किया था उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, जिसका मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इज द फुल फॉर्म ऑफ होप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व इट्स स्टेटहुड डे ऑन 30th में? सो कौन सी स्टेट अपना ऑब्जर्व करती है स्टेटहुड डे ऑन 30th में? सो कौन सी स्टेट है? दैट इज़ गोवा। सो गोवा अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करती है 30th मई को। ठीक है, अगर सीएम की बात करें, प्रमोद सावंत इज़ द सीएम ऑफ गोवा। गवर्नर इज़ सत्यपाल मलिक एंड कैपिटल इज़ पानाजी। सो पानाजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has took over as the 15th commander in chief of Andaman and Nicobar command? So किसने लिया है charge as the 15th commander in the chief of Andaman and Nicobar command? So वो कौन है? That is मनोज पांडे। So मनोज पांडे बने 15th commander in chief of the Andaman and Nicobar command। ठीक है, so next question पे move करते हैं। Who has launched the facility for instant allotment of पैन कार्ड यूजिंग आधार बेस्ड EKYC? सो हमें बताना है कि किसने लॉन्च की है फैसिलिटी फॉर इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ पैन कार्ड यूजिंग आधार बेस्ड EKYC? सो कौन है जिसने लॉन्च किया है? ये किया है निर्मला सीतारमन ने। सो निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है द फैसिलिटी फॉर इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ पैन कार्ड यूजिंग आधार बेस्ड EKYC। ठीक है, अगर निर्मला सीतारमन की बात करें, सो ये है फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी कंस्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। क्या है कंस्टिट्यूएंसी? कर्नाटका इज़ द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ निर्मला सीतारमन, जो कि है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रीनेम्ड एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन वेस्ट सिटी। सो हमें बताना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नेम बदल कर दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो हमें हेड ऑफिस बताना है कहाँ पर लोकेटेड है। सो कहाँ पर है? दैट इज़ चेन्नई। सो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, दैट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, सो डिस्कस करते हैं। अगर बात करें अरुण सिंघल, जिनको अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ FSSAI। ठीक है, सो अरुण सिंघल बने हैं, अपॉइंट हुए हैं एज अ CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है माई लाइफ माई योगा, दैट इज़ जीवन योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जिसका नेम है माई लाइफ माई योगा जीवन योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विनेश फोगाट जो है उनको नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। किसको नॉमिनेट किया गया है? विनेश फोगाट को नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। और एक है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, उनको भी नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। ठीक है, रविशंकर प्रसाद हैज़ लॉन्च इंडियाज़ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जिसका नेम है कोर www.ai.government.in। सो रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया इंडियाज़ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जिसका नेम है दैट इज़ www.ai.government.in। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ आत्मनिर्भर भारत अभियान से, जो भी मतलब 5 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे, और डेली हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे जिससे ईजिली याद हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ द फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रिस्टोर इकोनॉमिक ग्रोथ
इम्पैक्टेड बाय COVID-19 एंड लॉकडाउन। सो हमें बताना है कि कितना वर्थ फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिससे वो रिस्टोर कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्टेड बाय COVID-19 एंड लॉकडाउन। सो कितना पैकेज था, दैट इज़ 20 लाख करोड़। कितना था, 20 लाख करोड़ का पैकेज था, जो कि अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टू रिस्टोर इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्टेड बाय COVID-19 एंड लॉकडाउन। सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ वॉज प्रेमाइज्ड ऑन 5 पिलर्स, सो नेम देम। सो हमें बताना है कि ये बेस्ड है 5 पिलर्स पे, ठीक है। द स्पेशल इकोनॉमिक कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ ये बेस्ड है टोटल 5 पिलर्स पे। सो हमें नेम बताना है वो 5 पिलर्स कौन से हैं। तो इसका नेम था आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। सो ये 5 पिलर कौन से, इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी है एंड डिमांड है। कौन कौन से, इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी है एंड डिमांड है। सो ये इंपॉर्टेंट है, सो रिवाइज कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ डब्ड एज आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। सो हमें बताना है कि सारी डिटेल जो थी, मतलब कितना किसको अलॉट होगा ये पैकेज, सो ये सारी डिटेल किसने बताई है, अनाउंस की है। सो हु हैज़ प्रोवाइडेड द डिटेल ऑफ स्पेशल इकोनॉमी, सो किसने प्रोवाइड की है ये सारी डिटेल ऑफ 20 लाख करोड़ डब्ड एज आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये की है निर्मला सीतारमन ने। किसने प्रोवाइड की है सारी डिटेल्स ऑफ 20 लाख करोड़, ये की है निर्मला सीतारमन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है और क्या है इनकी कंस्टिट्यूएंसी, कर्नाटक इज द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ निर्मला सीतारमन। सो हाउ मच वर्थ ऑफ कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अनाउंस अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो हमें बताना है कि कितना, मतलब कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है प्रोवाइड की गई है, अनाउंस की गई है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो कितनी की गई है, 3 लाख करोड़। कितनी है, 3 लाख करोड़, मतलब अनाउंस की गई है क्रेडिट लाइन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अनाउंस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेशल इकोनॉमी एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ रुपीज 20 लाख करोड़ दैट इज डब्ड एज आत्मनिर्भर भारत अभियान, सो ये कितना इक्विवेलेंट है इंडिया GDP के, सो ये कितना है, दैट इज 10%, तो 10% इक्विवेलेंट है इंडिया GDP के, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।